एक रन से हारी राजस्थान रॉयल्स। एसआरएच की सबसे छोटी जीत, पांचवा 200 प्लस स्कोर बनाया। रेड्डी ने लगाए 8 छक्के। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को एक रन से हरा दिया। यह हैदराबाद की टूर्नामेंट इतिहास में सबसे छोटी जीत रही। टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 201 रन बनाए। ये उनके सीजन में पांचवा 200 से ज्यादा रन का स्कोर रहा। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नीतीश कुमार रेड्डी ने पारी में 8 छक्के लगाए। इसी के साथ वो एक पारी में हैदराबाद में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाजों में पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ इस पोजीशन पर डेविड वार्नर, हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड और मनीष पांडे भी हैं। सभी एक एक बार पारी में 8 सिक्स लगा चुके हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने 42 बॉल पर 76 रन की पारी खेली। उन्होंने अब तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है। उन्होंने इसी के साथ वो हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले अनकैप्ड प्लेयर बने। उन्होंने राहुल त्रिपाठी के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्होंने 2022 में 76 रन की पारी खेली थी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पावर प्ले के 6 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन ही बना सकी। ये सीजन में उनका सबसे छोटा पावर प्ले स्कोर रहा। इससे पहले मुल्लापुर के मैदान पर टीम ने 40 रन बनाए थे। टीम पावर प्ले के 6 ओवरों में 125 रन का रिकॉर्ड स्कोर भी बना चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2024 के सीजन में 5 बार 200 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया। टीम एक सीजन में सबसे ज्यादा 200 रन बनाने वाली टीमों में दूसरे नंबर पर रही। मुंबई ने पिछले सीजन 6 बार 200 से ज्यादा रन के स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 62 रन दिए। किसी भी स्पिनर का दूसरा सबसे महंगा स्पेल रहा। इससे पहले मुजीब उर रहमान ने भी हैदराबाद के ही खिलाफ 66 रन दिए थे। ये चहल के आईपीएल करियर का सबसे महंगा स्पेल रहा। इससे पहले इसी साल कोलकाता के खिलाफ उन्होंने 54 रन दिए थे। भुवनेश्वर कुमार ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पावर प्ले में 2 विकेट लिए। इसी के खिलाफ उनके आईपीएल पावर प्ले में कुल 67 विकेट हो गए। वो टूर्नामेंट के पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। हैदराबाद में एसआरएच ने 20 ओवर में 201 रन बनाए। राजस्थान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी। एसआरएच को 1 रन से जीत मिली। ये रन के अंतर से टीम की सबसे छोटी जीत रही। इससे पहले इसी साल टीम ने पंजाब को 2 रन से हराया था। दूसरी ओर पंजाब की ये 1 रन के अंतर से दूसरी हार थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।